तो गाइस वेलकम बैक टू अदर रिएक्शन वीडियो गाइस जॉइन अवर सुमी सिंह चैनल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन इंस्टा हैंडल ऑन स्क्रीन प्लीज फॉलो अस एंड टुडे वी गोना रिएक्ट ऑन जिने जम्मे सारे निकम्मे दैट मीन आई ऑलरेडी नो जितने पैदा किए सब चुतिए ओके और ये पंजाबी मूवी है सॉरी इट्स अ फैमिली गाली ये घर में चलते हैं ओके सो सो लेट्स स्टार्ट और ओरिजिनल का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा पक्का देखें लेट्स स्टार्ट सतवंत कौर हां जी बापू जी की प्रॉब्लम साडे जो हक सानू पुछदे ने फिर एते करना है ठाणे जाओ मेरा मतलब असि एक होर जवाब करना चाहुंदे हां आपा ठाणे वाले नु कानू विच पाऊं कर जमड़ा बहुत बड़े होते हैं तो क्या देखा तो उसके लिए कह रहा हूँ मूवी देख के आए हैं वो फिल्म जी देख के आए है बधाई हो उतो सुझा इन्हों नू फिल्मा देख के जवाक बिगड़ते तो सुने सी पर मां प्यो बिगड़ते पहली बारी देख आंटी प्लीज ना देख लिया डैडी सट भजी सत्त रहा नहीं गया ही भजे जी आपका ध्यान रखा करो कोई पुठा सीधा काम नहीं करना बस हुण तां मम्मी ने भी कहता टाइम ये बड़ा दी कॉमेडी है अब तो मम्मी बोल दे कि उल्टा सीधा काम नहीं करना सीधा काम नहीं करना बस हुण तो मम्मी ने भी कहता मैं तो टेंशन हो गई साडा पूछो की हाल है ਡੈਡੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਜਵਾਕ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਲੇ ਚਾਰੇ ਬਾਂਦਰ ਮੂਹੇ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ बिलकुल ठीक ने पर कंसीव करने तो पहला तुहानू शरीरिक तौर ते मजबूत होना पैना असी सुधरना की है बापू बिगड़ गया असी सुधरना की है आ देखो किवें लगे ने दोनों ए जमणगे इक नवां मिलखा सिंह पिछले 10 साल साडे कोल बह के दुख सुख फरोलिया हो पंजवां जवाक तां इस घर दे विच आ के रहो यार कितने मैं कह रहा हूं कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है ना मतलब फन कि आप उनको पता चलेगा वो घर पे आएंगे इनको रोकने की कोशिश करेंगे और उधर मिलने की कोशिश करेंगे ओ माय गॉड कितना मजा आएगा इस चीज में लाइक फैमिली कंटेंट बट मजा आएगा देखने टाइम यार कब आएगी मूवी ये 14 अक्टूबर तीन दिन बाद आने वाली है टाइम ये ज्यादा पंजाबी मूवी ज्यादा अच्छी होती है टू बी ऑनेस्ट छोटे तुम्हारे भी आते नहीं शादी में आते हैं ये लोग मतलब पैसे लेने के लिए बधाई तो कह रही 100 रुपए दे तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होगा वो कह रहा 500 ले ले पर ऐसा मत वो कह रहा 500 रुपए ले पर ऐसा मत बोल डैम No.
ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਵਧਾਈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿੱਕੀ ਡੋਨਰ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਚ ਜਵਾਕ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਕੀ ਡੋਨਰ ਦੇਖੀ ਵੈਸੇ ਉਸਮੇ ਲਾਈਕ ਸਪਰਮ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੋ ਉਸਕੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਪਰਮ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਅਗਰ ਵਿੱਕੀ ਡੋਨਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਗਾਓ ਮੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਤਾ ਉਨਕਾ ਡੈਮ ਯੇ ਕਿਤਨੀ ਮਾਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਮੂਵੀ ਆਈ ਹੈ ਭਾਈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ बताइए उसे आई थिंक इंस्पायर्ड है ये कॉपी की है मतलब कॉपी नहीं प्लॉट वहां से उठाया है बट फिर भी आई थिंक ये बेटर होने वाले कहीं ज्यादा बताइए उसे बिकॉज बॉलीवुड इज जस्ट लाइक फॉर्मेलिटी में ज्यादा निकल जाता है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये आएगी यार चार तीन दिन रह गए लेट्स मैं चलो कि मैंने वैसे पिछली यार लेकिन यार नहीं नहीं कुछ ना कुछ ऐसा एंड पे ना हो भाई नहीं 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 क्या ऐसा मतलब मुझे लग रहा है बच्चा नहीं होगा जहां तक मुझे लग रहा है ये सस्पेंस ना हो मुझे तो क्या लग रहा है इसमें क्या होने वाला है गाइस मेरी प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं होती याद रखना ठीक है मुझे लग रहा है कि बच्चा हो जाएगा बट वो बच्चा लाइक पहले बच्चे सब खिलाफ हैं इसके चारों बच्चे जब इसकी बेटा मम्मी की जो भी होगा आई थिंक उसकी डेथ हो जाएगी पैदा होते ही ओके आई थिंक फिर सब वो इमोशनल चारों इमोशनल हो जाएंगे फिर वो आई थिंक पापा मम्मी पापा से फिर से मिलकर रहना शुरू कर देंगे इनके साथ आई थिंक ये मेरी प्रेडिक्शन है क्योंकि एंडिंग मुझे लग रहा है इससे बेटर हो नहीं सकती नहीं होगा मुझे लग रहा नहीं होगा कुछ भी एंड दे आर गोइंग टू अडॉप्ट You know? नहीं ये भाई ऐसा नहीं सोचता बोल हमारा ये हमारे ऐसा नहीं सोचते ठीक है मुझे लग रहा है मेरी प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा दम है और मैंने सही में गाइस ऑब्वियसली नहीं है तो मैंने देखी कहूँगी कि 14 तारीख को आएगी अब तो सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट क्योंकि मुझे लग रहा है मेरी प्रेडिक्शन में दम है और मैं पूरी फैमिली के साथ जाऊँगा देखने इसको यार हो ये सीन होना चाहिए दैट्स रियली ऑकवर्ड इवन दो कोई गलत बात नहीं बट इट्स स्टिल इट्स ऑकवर्ड व्हाट ऑकवर्ड मैन लाइक सीरियसली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चीज़ों से कसम से कह रहा हूँ मैं अब ये मत बोलना तेरी मम्मी पापा कर लेते हो मुझे सीरियस नहीं कहा क्योंकि मेरी एक मौसी के भी है पता तुझे एक मेरी मौसी के भी है उनकी भी छोटी बेटी है बहुत अरे सीरियसली कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रो इस अपनी लाइफ है यार जब मर्जी करो तुम क्यों कौन होते सोचते हैं यार वो बात नहीं है बट जो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना मतलब जैसे तो क्या अरे मुझे लगता है ऑब्वियसली चल तेरा पॉइंट ऑफ व्यू बट मुझे लगता है इट्स टोटली फेयर ब्रो मतलब तो गलत नहीं है उनको दिक्कत होती है जैसे मैं मुझे नहीं होगा सो मुझे नहीं होगा तो मम्मी पापा गो फॉर इट बट मत जाना भाई प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी आगे और वैसे इतनी नहीं है He wants a sister. I don't care, bro. मिल जाए तो कोई बात नहीं बट बेटी हो जाए तो और भी अच्छा है सो या लेट्स होप फॉर द बेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय